नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने फोन पर फिर से चुने जाने पर दी बधाई। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों के हितों का ध्यान रखने के लिए न्यूजीलैंड के पीएम का जताया आभार। भारत न्यूजीलैंड संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दोहराई प्रतिबद्धता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में विधानसभा चुनाव मिशन का किया शंखनाद। पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए बोले अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में नक्सलवाद मुक्त हुआ झारखंड। प्रचंड बहुमत के साथ राज्य में भाजपा सरकार बनाने का ठोंका दावा। आदिवासी कल्याण पर हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर साधा निशाना। एनटीए ने अपलोड किया नीट यूजी का रिजल्ट, शहर और सेंटर वाइज रिजल्ट वेबसाइट पर जारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया गया परिणाम। बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन के बाद देशव्यापी कर्फ्यू। भारतीय नागरिकों की घर वापसी में भारतीय उच्चायोग सक्रिय। 978 भारतीय छात्र लौटे स्वदेश। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने दोहराई भारतीय छात्रों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता। गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। दक्षिण कन्नड़ में बाढ़ से हाल बेहाल। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागरपुर में प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, दिए खास चौकसी बरतने के निर्देश। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। 2020 में कोविड महामारी से भारत में अत्यधिक मौतों का दावा करने वाली रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। उधर विशेषज्ञों का भी कहना है कि इस अध्ययन की पद्धति में गंभीर खामियां हैं। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान अत्यधिक मौतों का दावा करने वाले एक अध्ययन को सरकार ने खारिज कर दिया है। वहीं विशेषज्ञों ने भी इस रिपोर्ट को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि रिपोर्ट न केवल अस्थिर और अस्वीकार्य अनुमानों पर आधारित है, बल्कि पूरी प्रक्रिया में ही गंभीर खामियां हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अध्ययन की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अधूरे आंकड़ों को आधार बनाया गया है। रिपोर्ट में जनवरी से अप्रैल 2021 के बीच NFHS के तहत परिवारों के आंकड़े लेकर इन परिवारों में 2020 में मृत्यु दर की तुलना 2019 से की गई है। फिर इन आंकड़ों को आधार बनाकर पूरे देश को लेकर निष्कर्ष निकाल दिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि NFHS नमूना केवल तभी देशव्यापी निष्कर्ष के लिए आधार बन सकता है जबकि इसे समग्र रूप से लिया जाए। सरकार और विशेषज्ञों का कहना है कि इस विश्लेषण में शामिल 14 राज्यों के 23% परिवारों का अध्ययन देशव्यापी नतीजों का आधार नहीं बनाया जा सकता। एक्सेस डेथ्स हमारे हिसाब से CRS सिस्टम में 4.74 लाख है, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। और उसमें भी जो सारी डेथ हैं ये कोविड की डेथ हम नहीं मान सकते और कोविड की डेथ उसका हिस्सा होगी। और जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार के पास जो आंकड़े आए स्टेट्स में से, उनमें से जो डेथ का आंकड़ा है वो 1.49 लाख का है। शॉर्ट पॉइंट ये है कि इस स्टडी में बहुत सारे ओवर एस्टिमेशन हुआ है और उसकी वजह ये है कि इन्होंने जो NFHS का काम सर्वे का उस पीरियड में हो रहा था उसमें 14 स्टेट में काम चला हुआ था और वो काम लगभग एक साल तक चलता था। इन्होंने 4-5 महीने के डेटा को लिया तो 14 स्टेट में भी जो सैंपल था उसका भी सब सैंपल लिया है और उस डेटा को पूरे देश के लिए एक्स्ट्रापोलेट किया है। जो भी उन्होंने मेथड यूज़ किए हैं उससे, इस एक्स्ट्रापोलेशन और मॉडलिंग से जो फ़र्क पड़ा है उसके हमारे रॉन्ग कंक्लूजन्स आ रहे हैं। और ये 12 लाख की फिगर और ये कहना कि हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी 2.6 ईयर्स, ये गलत एस्टिमेट है, अनटेनेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। रिपोर्ट का ये दावा भी तथ्यों से परे है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों की तरह भारत में महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रणाली कमजोर है। सच्चाई ये है कि भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली अत्यधिक मजबूत है और 99% से अधिक मौतों को दर्ज करती है।
यह बात भी महत्वपूर्ण है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत मौतों के पंजीकरण में जो वृद्धि हुई भी उसको सीधे कोविड से नहीं जोड़ा जा सकता। जागरूकता बढ़ने के साथ साथ इस प्रणाली के तहत पंजीकरण में हर वर्ष निरंतर इजाफा होता ही है, साथ ही हर साल बढ़ती आबादी के कारण भी मौतों की संख्या में कुछ वृद्धि स्वाभाविक है। हमारे देश में एक बहुत ही रोबस्ट, बहुत ही दृढ़, सुदृढ़ एक सिस्टम है जिसको हम बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन या जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जो कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। इसमें 291,000 यूनिट हैं जो इस डेटा को कलेक्ट करते हैं, और इसकी जो आज परसेंटेज है, जिसकी कवरेज है, वो 99% से भी कहीं ज़्यादा है। तो ये सब जब रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड वाले जो इसको कहते हैं, वो उनका करने का आधार ये है कि ये जो डेटा है सिविल रजिस्ट्रेशन का, वो दूसरे देशों में जो विकसित देश हैं उनमें तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन भारत में वो दृढ़ नहीं है। ये पूर्ण रूप से गलत है। रिपोर्ट की प्रमाणिकता पर एक और बड़ा सवाल मनपसंद आंकड़ों पर निर्भरता से भी उठ रहा है, जहां एक ओर अध्ययनकर्ताओं ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंशिक आंकड़े लेकर अपने नतीजे निकाल लिए, वहीं नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार प्रकाशित पेपर में असंगत और अस्पष्ट परिणाम इस पूरे अध्ययन की विश्वसनीयता को ही खारिज कर देने के लिए काफी हैं। तथ्यों और आंकड़ों के साथ ये बात प्रमाणित है कि जिस अवधि को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया है, उसमें मौतों की संख्या अध्ययन में दर्ज नतीजों से स्पष्ट रूप से कम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी कि नीट यूजी 2024 के लिए सेंटर वाइज और सिटी वाइज परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए को शहर और केंद्र प्रारूप में नीट यूजी 2024 परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। हमारे संवाददाता निशांत सौरभ हमारे साथ जुड़ेंगे इस खबर पर। उससे पहले हम आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा के जो परिणाम थे सेंटर वाइज और सिटी वाइज वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसका परिणाम पहले ही आया था, लेकिन उसके बाद कई सारे विवाद सामने आने के बाद अदालत की ओर से एनटीए को यह आदेश दिया गया था कि आप परिणामों को सिटी वाइज और सेंटर वाइज वेबसाइट पर अपलोड करें। वो अपलोड कर दिए गए हैं। निशांत सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। निशांत, अब जब परीक्षा के जो परिणाम हैं वो सिटी वाइज और सेंटर वाइज अपलोड कर दिए गए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप? जो परेशानियां, जो शिकायतें और जो जो विवाद अभी तक थे, उनका कुछ हल निकलेगा इससे? जी देखिए, ये जो राज्यवार और शहरवार और केंद्रवार जो परिणाम जारी किए गए हैं नीट यूजी परीक्षा के, ये सुप्रीम कोर्ट के परसों के उस आदेश के बाद किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया था कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी पहचान उजागर किए बिना सभी अभ्यर्थी जिन्होंने नीट यूजी परीक्षा जो कि 5 मई को आयोजित हुई थी, जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक को सार्वजनिक किया जाए। ये परसों का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, क्योंकि जब 4 जून को नीट यूजी परीक्षा के नतीजे घोषित हुए थे उसके बाद से कई गड़बड़ियों की शिकायतें आई थी, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी चल रहा है जिसमें अभ्यर्थियों ने मांग की है कि कथित पेपर लीक के आरोपों के मद्देनज़र परीक्षा को रद्द करके दोबारा से नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए। इन सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, तो ऐसे में परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने ये परसों आदेश दिया था कि सभी अभ्यर्थियों के केंद्रवार और शहरवार प्राप्तांक को एनटीए की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। तो एनटीए ने आज अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इससे ये साफ तौर पर स्पष्ट हो पाएगा कि किस परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को
कितने अंक हासिल हुए हैं। इसमें छात्रों के रोल नंबर और नाम को नहीं दर्शाया गया है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभ्यर्थियों की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, उनकी गोपनीयता सुरक्षित रहनी चाहिए। तो मान लिया कि पटना या गोधरा के किसी परीक्षा केंद्र पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, या कथित तौर पर पेपर लीक के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो अगर ये आरोप लगाया जा रहा है तो कोई भी वेबसाइट पर जाकर किसी भी केंद्र का परिणाम जाकर देख सकता है कि उस केंद्र पर अगर मान लिया कि 700 या 800 बच्चे शामिल हुए हैं परीक्षा में, तो उनके मार्क्स कितने हैं, क्या वो अन्य केंद्रों पर जो बच्चों को सामान्य अंक मिले हैं क्या उससे अधिक तो नहीं है, इस बात का आकलन किया जा सकता है इसके जरिए। तो निश्चित तौर पर अभी जब सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों की सुनवाई चल रही है, सभी याचिकाएं लंबित हैं, तो ऐसे में अब जब वेबसाइट पर ही परिणाम घोषित कर दिया गया है तो इससे सुनवाई में और आसानी होगी। और अब जो अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है वो सोमवार को 22 तारीख को होनी है, तो निश्चित तौर पर एक काफ़ी हद तक एक स्पष्टता और क्लैरिटी आ गई है परिणामों में, और इससे निश्चित तौर पर ये पता लगाया जा सकेगा कि क्या किसी खास परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी का फायदा छात्रों को हुआ है या नहीं हुआ है। तो बेहद एक स्पष्टता के साथ एनटीए ने आज ये परिणाम जारी कर दिए हैं, और आने वाली सुनवाई में भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा। निशांत, अगर हम जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसकी अगर हम बात करें तो वो सुनवाई अब किस दिशा की ओर बढ़ने वाली है? जी देखिए, करीब 40 के आसपास याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में है जिस पर सुनवाई चल रही है, जिसमें कि सबसे बड़ी मांग जो है छात्रों की वो यही है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक के आरोप लगाए गए हैं, तो ऐसे में जो है परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से आयोजित की जाए। लेकिन जिस तरह की हमने पिछले हियरिंग में देखा तो इस बात की संभावना बेहद कम है कि परीक्षा को दोबारा से आयोजित की जाएगी, क्योंकि ये साफ तौर पर निकल कर सामने आ रहा है कि बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है। ये एक लोकलाइज्ड जो गड़बड़ियां हैं ये स्थानीय स्तर पर हुई है, जैसे पटना के कुछ परीक्षा केंद्र पर हुई है, गोधरा के परीक्षा केंद्र पर हुई है, और सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि जो गड़बड़ियां हुई हैं उसका फायदा करीब 150 से अधिक छात्रों को नहीं हुआ होगा। और ये सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर काउंसलिंग जो कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में 24 तारीख के आसपास शुरू होनी है, काउंसलिंग के दौरान या उसके बाद भी अगर ये पाया जाएगा कि कोई छात्र गड़बड़ी करके उत्तीर्ण हुआ है परीक्षा में, क्वालिफाई हुआ है, तो उसकी उम्मीदवारी या उसका जो एडमिशन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो कोई भी ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि परीक्षा को दोबारा कंडक्ट कराने की संभावना बेहद कम है। और सरकार ने भी IIT मद्रास के जरिए जो एक डेटा एनालिसिस किया था नीट UG परीक्षा का, तो उसमें ये साफ तौर पर पाया गया है कि किसी भी खास केंद्र पर अभ्यर्थियों को कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया है। और जो 13 लाख अभ्यर्थी जो कि उत्तीर्ण हुए हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं इस परीक्षा में, उसमें से जो अगर शीर्ष 1 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनकी अगर बात करें जिन्होंने ऊपर, निशांत एक छोटा सा सवाल यहाँ पर आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि ये मामला सब ज्यूटिस है और कोर्ट में मामला चल रहा है, ऐसे में जो काउंसलिंग है वो तय तारीख पर होगी या वो डिले हो सकती है? जी देखिए, सरकार ने जो पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह में 24 तारीख के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। तो उम्मीद की जा रही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अभी इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और अपने नियत समय पर ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शुक्रिया निशांत इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत में आम चुनावों के बाद प्रधानमंत्री मोदी को उनके फिर से जीतने पर हार्दिक बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को उनके फोन करने और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत न्यूजीलैंड संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई गई, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों से लोगों के संबंधों में निहित है। न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और भलाई के प्रति उनके प्रयासों की सराहना करता हूं। कृषिविद कमला पुजारी का 73 वर्ष की उम्र में ओडिशा के कटक में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रख्यात कृषिविद श्रीमती कमला पुजारी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उन्हें धान और अन्य फसलों के लुप्त प्राय और दुर्लभ बीजों को संरक्षित करने की उनकी प्रेरक पहल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कई किसानों, खासकर महिला किसानों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा दिया। जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान को याद किया जाएगा। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण देश भर में उड़ान संचालन पर गंभीर असर पड़ने के एक दिन बाद आज नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिस को नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर शेयर किया। नोटिस के अनुसार रात 3 बजे से सभी हवाई अड्डों पर एयरलाइन सिस्टम सामान्य रूप से काम करना शुरू कर दिया है। उड़ान संचालन अब सुचारू रूप से चल रहा है। कल के व्यवधान के कारण बैकलॉग है और इसे धीरे धीरे साफ किया जा रहा है। उम्मीद है कि आज दोपहर तक सभी मुद्दे सुलझ जाएंगे। हवाई अड्डों पर संचालन की लगातार निगरानी की जा रही है और एयरलाइंस के साथ भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रा समायोजन और रिफंड का ध्यान रखा जाए। मंत्रालय ने धैर्य रखने के लिए लोगों का धन्यवाद भी किया है। अगली खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच भारतीय नागरिकों की घर वापसी में भारतीय उच्चायोग लगातार सहायता कर रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक 978 भारतीय छात्र भारत लौट आए हैं। भारतीय उच्चायोग विभिन्न विश्वविद्यालयों में बचे 4000 से अधिक छात्रों के साथ नियमित संपर्क में है और आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। नेपाल और भूटान के छात्रों को भी अनुरोध पर भारत में प्रवेश करने में सहायता की गई है। बांग्लादेश में नौकरी में आरक्षण के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने चिंताजनक विषय बताया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अपने छात्रों को सुरक्षित घर वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। कि हमेशा जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम्स हो वो सुननी चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि बांग्लादेश की जो सरकार है, कई बार से सरकार बनी है, वहाँ के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं बहुत ही अनुभवी प्रधानमंत्री हैं। लोगों का जनमत उनको एक बार नहीं कई बार प्राप्त हो चुका है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हमारे भारतीय नागरिक या बच्चे हैं उनको सुरक्षित यहाँ ले जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अमृत, हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं बांग्लादेश के अंदर और काफ़ी सारे भारतीय छात्र वहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ कर रहा है विदेश मंत्रालय, क्या कुछ अभी तक हुआ है? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि हालात लगातार ख़राब हो रहे हैं वहाँ और उसके चलते भारतीयों की और भारतीय सिटीजन पर्टिकुलर की जो वापस आना चाहते हैं उनकी सहायता लगातार हमारी जो भारत की जो हाई कमीशन है ढाका में और जो असिस्टेंट हाई कमीशन हैं राजशाही में, साइलेट में, चिटागोंग में, खुलना में, ये लगातार भारतीय स्टूडेंट्स की वापसी के प्रबंध कर रही हैं लोकल अथॉरिटीज के साथ। दो तीन तरीके से वापसी हो रही है। एक तो जो फ्लाइट रेगुलर फ्लाइट से ढाका से चिटागोंग से कई स्टूडेंट्स, अबाउट 200 स्टूडेंट्स वापस आए हैं। टोटल करीब 1000 स्टूडेंट्स के पास 978 स्टूडेंट्स वापस अभी तक आ चुके हैं जो लेटेस्ट फिगर्स हैं और लगातार स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं। और दूसरा जो हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं
त्रिपुरा के साथ, बांग्लादेश के साथ, उनके थ्रू भी स्टूडेंट्स वापस, और बंगाल के थ्रू स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं। पोर्ट के थ्रू भी जो स्टूडेंट्स वापस आना चाहते हैं उनकी अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। करीब टोटल इंडियंस वहाँ 15,000 हैं, जिसमें से अबाउट 8,500 स्टूडेंट्स भी हैं। तो अभी तक विदेश मंत्रालय कह रहा है कि इस वक्त टोटल स्टूडेंट्स जो बांग्लादेश में थे करीब 5,000 के आसपास फिगर है, और उसमें से 1,000 स्टूडेंट्स वापस आ चुका है और 4,000 स्टूडेंट्स अभी भी वहाँ हैं। उनमें से क्योंकि हालांकि प्रोटेस्ट वाइड स्प्रेड हैं, पर बहुत जगह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्योंकि डायरेक्टली इंडियंस इन्वॉल्व नहीं हैं तो वो सुरक्षित हैं और वो प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उनको इस आंदोलन से डायरेक्टली कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो सुरक्षित हैं। पर अगर कोई भी स्टूडेंट्स वापस आना चाहते हैं तो भारतीय उच्च आयोग और जो भारतीय कौंसुलेट्स हैं, असिस्टेंट हाई कमीशन हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं। अमृत, हमारे साथ बने रहिएगा आप। प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। प्रसन्नजीत, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो काफ़ी कुछ बांग्लादेश के साथ अच्छे खासे सांस्कृतिक संबंध पश्चिम बंगाल के हैं, और साथ ही साथ अभी बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है, अभी ये खबर आई है कि कलकत्ता में भी कुछ छात्र संगठनों ने वहाँ पर जो छात्रों के ऊपर पुलिस की कार्रवाई हुई है उसको लेकर के प्रदर्शन किए हैं, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? नहीं, पहले तो ये बता दूं कि ये जो बंगाल में कोलकाता में बांग्लादेश की डेप्यूटी हाई कमीशन के सामने कल कुछ दिखाया गया, इसके बारे में हम जितना कम आलोचना करें उतना ही ठीक है, क्योंकि इन लोगों की मंशा क्या है ये खुद नहीं जानता है, तो इसके बारे में जितना कम चर्चा करें और इनको जितना कम अहमियत दे उतना ही अच्छा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि हाँ, बंगाल के साथ, और ये जो मैं जिस जगह पे खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ से अगर आप दाहिने तरफ बाएं तरफ मैं पत्थर फेंके तो हर एक घर पे ऐसा पाया जाएगा जिनका कोई ना कोई रिश्तेदार अभी भी बांग्लादेश में है या कोई ना कोई जान पहचान वाले लोग बांग्लादेश में है। तो बात सिर्फ सांस्कृतिक नहीं है, यहाँ पे बात पारिवारिक है, और इसीलिए लोग काफी चिंतित है पिछले 3-4 दिनों से या 5 दिनों से कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में। और सबसे मुश्किल की बात यह हो गया कल से कि बांग्लादेश के साथ कोई संबंध नहीं किया जा रहा है। हालांकि मतलब हर तरह की जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो लोकल लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखने के लिए हर जगह पे किया जाता है, वैसे ही बांग्लादेश सरकार की तरफ से किया गया है कि इंटरनेट बंद कर दिया गया, टेलीफोन लाइन को धीमे कर दिया गया और बाकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है सारे कुछ बंद कर दिया गया। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप जानते हैं कि हमारे साथी वहां पे नवल संग पारमार ढाका में हमारे तरफ प्रसार भारती के लिए काम करते हैं, उनके साथ मैं कल से 1,000 बार उनकी तरफ से भी कोशिश किया गया, हमारे तरफ से भी कोशिश किया गया, तो कुछ SMS में हमारे पास पहुंचा है। उसमें एक सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात छोड़ के बता रहा हूं, जैसे अमृतपाल अभी स्टूडेंट्स के बारे में बता रहे थे कि वहां पे जो मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर जनरल है उन्होंने बताया उन भारतीय हाई कमीशन की अनुरोध के बाद कि जो मेडिकल हॉस्टल्स है जहां पे जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स है उनको तो खाली कराने के लिए बता गया है, लेकिन जो फॉरेन स्टूडेंट्स है मतलब खास तौर से भारत के स्टूडेंट्स है वो अगर चाहे तो हॉस्टल के अंदर रह सकते हैं। ये एक बड़ी राहत की सांस है पूरे परिवार के लिए। मैं जो अभी DD न्यूज देख रहे हैं सबके लिए मैं बता दूं कि वो अपने जगह पे रह सकते हैं। हाँ, ये सही है कि मुश्किल, पूरे देश में कर्फ्यू है, गाड़ी की आवाजाही एकदम बंद है, और इसीलिए जो खाना आपूर्ति करने के लिए या बाकी चीजें खरीदने के लिए बाहर निकल के कोई कुछ करे तो इसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। और जैसे अमित पाल भी कह रहे थे, मैं उसी के हिसाब से बताऊं कि त्रिपुरा की अखौरा बॉर्डर से या मेघालय की डौकी बॉर्डर से या बंगाल की फुलबारी बॉर्डर से ये धीरे धीरे स्टूडेंट्स आने लगे हैं। उसमें कुछ नेपाल के स्टूडेंट्स भी है, कुछ भूटान के स्टूडेंट्स भी है, लेकिन ये जो साउथ की तरफ है मतलब हमारी 24 परगना की तरफ है या बाकी जगह है वहां पे अभी तक, क्योंकि ये ढाका के आसपास है तो वहां पे अभी इतना स्टूडेंट की फ्लो हम देख नहीं पा रहा है। तो जहां कुछ भी हो रहा है बंगाल की भी नॉर्थ साइड में, बांग्लादेश के भी नॉर्थ साइड में, तो ये कुल मिला के स्थिति है। लेकिन कोई भी भारतीय जो स्टूडेंट है उनकी कोई चोट नहीं आया,
या वो सारे सुरक्षित है चंद्रशेखर? ठीक है, अमृतपाल हमारे साथ बने हुए हैं। अमृतपाल, जो स्थिति, ठीक है, फिलहाल मुझे एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए एमडीएच का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर वन मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए आपको सीधे हम मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर की जा रही है। कर लेंगे, लेकिन अभी जो कंडीशन है वो नॉर्मल है, और हम अपने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को अभी यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि ट्राई केमिकल पाउडर जो है वो जो गनी बैग में है हम उसको सीट ऑफ फायर के ऊपर डालें ताकि हम फायर को कम्प्लीटली बुझा पाएं। तो अभी तक हम अपने काम में पिछले 15-16 घंटे में काफ़ी कामयाब रहे हैं। हमने आग को ज़्यादा फैलने नहीं दिया है, और ये बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि इस समय आप सबको पता है कि साउथ वेस्ट मानसून प्रेवलेंट है, समुद्र की सी स्टेट बहुत ही इस समय अनस्टेबल है, सी शिप्स का स्टेबल रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, साथ में हवा बहुत तेज है और बारिश भी हो रही है जिससे विजिबिलिटी कम होती है तो रिस्पांस में बड़ा इफेक्ट होता है। बट इन सब चुनौतियों के बावजूद भी तटरक्षक के 3 जहाज और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर फायर फाइटिंग ऑपरेशन में इस समय लगे हुए हैं। थैंक यू, ठीक ऑफ करो। अच्छा, नाउ एनीथिंग एल्स यू विश टू आस्क मी? We have the details. Yes, sir. Yeah. तो इंडियन कोस्ट गार्ड की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। दरअसल गोवा के तट पर एक कार्गो शिप में आग लग गई थी, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने वहाँ पर अपने जो फायर फाइटर्स हैं वो वहाँ पर भेजे हैं और वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर की गई है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को झारखंड के दौरे पर हैं। रांची पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिवादन किया, जिसके बाद गृह मंत्री भाजपा की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ पहुंचे। गृह मंत्री के सभा स्थल पर पहुंचने पर बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही ने उनका स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि झारखंड की सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। अमित शाह ने कहा कि जीएमएम और कांग्रेस ने हजारों करोड़ का घोटाला किया। अगर देश भर में सबसे करप्ट अगर कोई सरकार है तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचारियों को लेकर आगे बढ़ती है। हेमंत सोरेन भी आगे, 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, 300 करोड़ का जमीन घोटाला, सेना की जमीन का घोटाला, 1000 करोड़ का खनन घोटाला, 40 करोड़ का शराब घोटाला और 1000 करोड़ का
ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला एक घोटाला करने वाली सरकार है, ये वादा खिलाफ ही करने वाली। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बगैर आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जेहाद, लव जेहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने झारखंड में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। इस चुनाव में हम 9 सीटें तो जीते हैं मगर इसके साथ साथ 52 सीटों पर कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झारखंड की सरकार ने 81 में से 52 सीटें, उस पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। ये बताता है कि आने वाले दिनों में सरकार किसकी बनने वाली है। भाई जरा जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? और जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? मैं आज बताकर जाता हूं कांग्रेस वालों, हेमंत सोरेन जी लिख कर रख लो, दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं, झारखंड में 24 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन के मामले में सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को हिरासत में ले लिया है। सुरेंद्र पवार को ईडी ने देर रात हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम विधायक को अंबाला ले जा रही है। पिछले दिनों अवैध खनन से जुड़े मामले में सुरेंद्र पवार, यमुनानगर में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इसके बाद ईडी पवार के घर से कई दस्तावेज लेकर गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने पर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां यूपी सरकार के जिस फैसले का विरोध कर रही हैं उसे लेकर सोशल मीडिया पर विश्लेषक से लेकर यूजर्स सरकार का समर्थन कर विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल यूपी की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार में नेम प्लेट लगाने का कानून लागू हुआ था और यूपीए सरकार ने इस बिल को पास किया था। ये नियम 2006 में ही बनाए गए थे जिसमें कहा गया था कि सभी दुकानदारों, ढाबा मालिकों को अपनी अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाना होगा और उस पर दुकान के मालिक का नाम लिखना होगा। और इस सब के बीच भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरते हुए अखबार की कटिंग शेयर की है जिसमें बताया गया है कि ये कानून साल 2006 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने लागू किया था। अमित मालवी ने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा खानपान व्यवसाय के लिए बनाए नियमों को मात्र लागू कर रही है, इसको लेकर सब लोग उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, कठिन एवं पवित्र धार्मिक यात्रा की आस्था की शुचिता और सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया कदम सराहनीय है। हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेंकनी चाहिए। कठिन एवं पवित्र धार्मिक यात्रा की आस्था की शुचिता एवं सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए उठाया गया यूपी सरकार का कदम सराहनीय है। हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर खिलवाड़ एवं राजनीति की रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। वो धार्मिक यात्रा है, उस पर बयानबाजी बंद करें। उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है।
अखिलेश यादव जी की सरकार के समय में ऐसा नोटिफिकेशन निकाला गया था, बीजेपी के सरकार में भी निकाला गया। इट्स ए रूटीन एक्सरसाइज, और ये ऐसा नहीं कि काबड़ जाता के समय आपको ये नाम लिख के रखना पड़ेगा, थ्रू आउट द ईयर आपको नाम लिख के रखना पड़ेगा। ये हमारे एक्ट में कहता है कि आपको लिख के रखना चाहिए, और नाम में अगर कोई रिलीजन ढूंढ रहा है तो हमारा ऑपोजिशन ढूंढ रहा है। इस सब के बीच यूपी सरकार ने 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। इस बीच यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने के आदेश दिए हैं। यूपी सरकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा ही नियम बनाया है। हाल के दिनों में जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों में हुए आतंकी गतिविधियों के बाद सेना सतर्क मोड में है। पूरे इलाके की सुरक्षा और हालात की समीक्षा करने के लिए थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जम्मू के दौरे पर हैं। सेना प्रमुख हाल की घटनाओं को देखते हुए पुलिस मुख्यालय जम्मू में हाई प्रोफाइल सुरक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। भारतीय सेना BSF समेत सुरक्षा एजेंसियों के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस हाई प्रोफाइल बैठक में शामिल होंगे। महाकौशल क्षेत्र के जबलपुर में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए शनिवार को आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बाद देश के तीसरे डिफेंस कॉरिडोर जबलपुर कटनी और इटारसी में निवेश के लिए शनिवार को देश दुनिया के निवेशक जबलपुर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में पहुंचे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में 5 देशों और 9 राज्यों के 3,500 से ज्यादा निवेशक शामिल हो रहे हैं। शुभारंभ के अवसर पर मध्य प्रदेश में उद्योग की संभावनाओं को लेकर प्रमुख सचिव उद्योग राघवेंद्र सिंह ने प्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद प्रमुख सचिव माइनिंग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग निकुंज श्रीवास्तव ने भी माइनिंग और IT सेक्टर में निवेश की संभावनाओं को लेकर उद्योगपतियों के सामने प्रेजेंटेशन दिया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ करने से पहले आयोजन स्थल नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक एवं सूचना केंद्र का लोकार्पण कर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की कमान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपने हाथों में ले ली है। NSG कमांडो की यूनिट को सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहां तैनात किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने बीती रात को सफल सुरक्षा उपायों को लेकर डेमो के रूप में मॉक ड्रिल किया। इन जगहों की भी सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी करने का रिव्यू करते हुए मॉक ड्रिल की गई। रात 8 बजे हनुमानगढ़ी के आसपास की दुकानें बंद हुई तो फिर देर रात्रि तक एनएससी ने मॉक ड्रिल किया। इसी के साथ ही रामकोट रामपथ भक्तिपथ होते हुए NSC का मॉक ड्रिल समाप्त हुआ। एक छोटा सा ब्रेक। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MBH का चंकी चाट मसाला डालें। MBH का चंकी चाट मसाला। MBH क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन, मिशन है तो जीत पक्की। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब देखते हैं बजट से संबंधित खबरें। चलिए अब जानते हैं कि आने वाले बजट से देश के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या उम्मीद है। छोटे छोटे से जगहों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहां पर यदि सुविधाएं बढ़ाई जाएं तो जिसके कारण जिला अस्पताल में भीड़ भाड़ कम होगी। अभी हम देख रहे हैं कि शासन के पास पर्याप्त इन्फ्रा नहीं है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको आयुष्मान से जोड़ रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट इन्फ्रा को ही इम्प्रूव कर देंगे तो आपको फिर उनकी ज़रूरत नहीं होगी। गवर्नमेंट में आपके पास हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उनका भी आप उपयोग कर सकेंगे। दूर दूर से लोग आते हैं PG करने के लिए, तो यही दिक्कतें आती हैं कि बाहर रहना पड़ता है, और जब बाहर PG छात्र रहेगा तो उसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम कॉलेज में हैं तो कभी भी जाके हम इमरजेंसी में काम कर सकते हैं, कभी भी जाके हम OPD में बैठ सकते हैं। बजट जो भी हो, पर्याप्त बजट होना चाहिए जिससे कि इंफ्रा भी हो सके।
सरकार की जो योजनाएं शिक्षा को लेकर रही है वो प्रशंसनीय रही है और उन्होंने शिक्षा को लेकर के एक सक्रिय रूप से कार्य किया है। पिछले बजट में सरकार ने जो योजनाएं रखी थी वो भली भांति लोगों को परिचित भी हैं, लोग जान रहे हैं। तो आने वाला बजट है इसमें प्राइमरी स्तर जो बुनियादी शिक्षा है वहाँ से स्तर में सुधार होने की बड़ी बड़ी संभावना मैं रखता हूँ। प्राइमरी शिक्षा के साथ साथ जूनियर हाई स्कूल और माध्यमिक विद्यालय में जो नई तकनीक जो विकसित हो रहे हैं उनको लेकर के सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। सरकार का सबसे अच्छा कार्य था जो इन्होंने आयुष्मान भारत योजना चलाई जिसमें 5 लाख रुपये तक के लिए इन्होंने निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करी है। मुझे लगता है कि इसका दायरा धीरे धीरे करके समाज के सभी लोगों को मिलना चाहिए। आने वाले बजट में हमें ऐसा लगता है कि हमारी आयुष्मान योजना जो है इसको और थोड़ा ब्रॉड करना चाहिए, इसमें और भी चीजों को लेना चाहिए। 1969 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के पहली बार चांद पर उतरने की याद में 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन इस दिन चांद पर उतरने वाले पहले इंसान बने थे। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव लाकर 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाने की घोषणा की गई। आखिर क्या है इस दिन का महत्व और चंद्रमा पर भारत ने कौन कौन से मिशन भेजे, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हर साल 20 जुलाई को चंद्रमा की सतह पर पहली बार मानव के उतरने की वर्षगांठ मनाने के लिए मनाया जाता है। ये दिन चंद्रमा की सतह का पता लगाने के लिए किए गए सभी प्रयासों की याद दिलाता है। ये दिन लोगों को ये समझने में मदद करता है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी किस तरह विकसित हुई है और भविष्य में इसमें और भी बहुत कुछ खोजने की गुंजाइश है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरने वाले इतिहास के पहले मनुष्य थे। 1960 में दशक के अंत तक चंद्रमा पर मानव को भेजने का लक्ष्य घोषित किया था, जबकि ये लक्ष्य 8 साल बाद अपोलो 11 मिशन के रूप में पूरा हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 दिसंबर 2021 को प्रस्ताव लाकर अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये प्रस्ताव बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर एक समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहुंचकर एक वाक्य कहा था जो आज तक प्रसिद्ध है, मनुष्य के लिए एक छोटा कदम मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। मिशन के ईगल मॉड्यूल का उपयोग करके चंद्रमा पर उतरने के बाद आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर करीब 21 घंटे बिताए। उन्होंने धरती पर लाने के लिए लगभग 21.5 किलोग्राम चंद्र सामग्री इकट्ठी की। इस दौरान पायलट माइकल कोलिंस चंद्र कक्षा में कोलंबिया कमांड मॉड्यूल उड़ा रहे थे। इस वर्ष अपोलो 11 चंद्र मिशन की 55वीं वर्षगांठ है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस की हर वर्ष एक थीम तय की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस संगठन के अनुसार इस वर्ष की थीम है छाया को रोशन करना, यानी इल्यूमिनेटिंग द शेडोज। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने सबसे पहले चंद्रयान 1 अभियान 2008 में लॉन्च किया था, जिसने चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति के प्रमाण हासिल किए। इस अभियान के साथ इसरो ने मून इंपैक्ट प्रोब को भी चंद्रमा की सतह पर उतारा था। चंद्रयान 1 की सफलता से उत्साहित होकर इसरो ने चंद्रयान 2 को 2019 में प्रक्षेपित किया, जिसके साथ एक लैंडर रोवर और ऑर्बिटर भेजा गया, लेकिन इसका लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहा। फिर 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता ने भारत को उन देशों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बंद सिनेमाघरों को दोबारा खोलने के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत सरकार राज्य में बंद सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों को पुनर्जीवित करने के लिए निवेशकों को इंसेंटिव मुहैया कराएगी। ऐसे सिनेमाघरों के संचालन के लिए राज्य सरकार सब्सिडी या वित्तीय सहायता देगी।
उत्तर प्रदेश में बंद सिनेमा घरों में फिर रौनक लौटेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंद सिनेमा घरों के पुनर्संचालन, मल्टीप्लेक्स विहीन जिलों में मल्टीप्लेक्स निर्माण और सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों के निर्माण के लिए अनुदान योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि आम जनता के मनोरंजन के प्रमुख साधनों में सिनेमा की बड़ी भूमिका है। ऐसे में सिनेमा घरों को फिर से पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन योजना लाई जानी चाहिए। प्रदेश के सिनेमा घर मालिकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। मैं समझता हूँ कि इससे बहुत फायदा होगा और गवर्नमेंट की बहुत अच्छी योजना है और निकट भविष्य में जो सिनेमा है उनको एक बूस्ट मिलेगा, ताकत मिलेगी और सिंगल स्क्रीन जो है वो आगे बढ़ेगा। वर्तमान में प्रदेश के 39 जनपदों में मल्टीप्लेक्स नहीं है, जबकि 10 जनपद ऐसे भी हैं जहां कोई एकल स्क्रीन अथवा मल्टीप्लेक्स सिनेमा भी नहीं है। सरकार के इस निर्णय से निश्चित तौर पर जहां सिंगल स्क्रीन सिनेमा मालिकों को फायदा होगा, वहीं फिल्म निर्माताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। जो खबर है ये फिल्म उद्योग के लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आई है, वहीं ये सिंगल स्क्रीन के जो ओनर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशी लेकर आई है, क्योंकि आज भी फिल्मों का जो अधिकांश रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो थिएटर के थ्रू ही होता है, और वहीं पे इस नीति को प्रोत्साहन देने से जो मल्टीप्लेक्स की मोनोपोली होती जा रही है फिल्मों के क्षेत्र में, कहीं कहीं वो छोटे प्रोड्यूसर्स को एक्सप्लॉइट भी करते हैं, उस पर भी बहुत अंकुश लगेगा। सरकार के निर्णय के पश्चात सिनेमा घरों में आए दर्शकों ने इसकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि अगर सिंगल स्क्रीन सिनेमा रिवाइव होंगे तो आम जन को इससे फायदा होगा, मल्टीप्लेक्स की मोनोपोली को कंपटीशन मिलेगा, इसका सीधा फायदा जनता को होगा। सरकार ने जो फैसला लिया ये बेस्ट रिजल्ट है, ताकि जो गरीब लोग हैं ताकि वो भी देख सकेंगे। पब्लिक को बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें ज़्यादा पैसा होता नहीं है, तो हम महंगे कॉम्प्लेक्स में जैसे PVR हो गया या जैसे नोवेल्टी है, साहू PVR, सहारा मॉल, उसमें जा नहीं पाते हैं। जो लो क्लास की फैमिली होती है, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, स्टूडेंट लाइफ होती है, उसमें जा पाएंगे। प्रदेश में जैसे जैसे मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल की संस्कृति तेजी से बढ़ी है, सिंगल स्क्रीन सिनेमा हाशियों पर जाते रहा है, लेकिन अब योगी सरकार के इस फैसले से निश्चित तौर पर सिंगल स्क्रीन सिनेमा को बूस्ट मिलेगा, जिसका सीधा फायदा आम जनता को होगा, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार सृजन भी होगा। लखनऊ से हिमांशु सोनकर की रिपोर्ट, TD न्यूज के लिए। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले कई घंटों से हुई बारिश से सौराष्ट्र के पोरबंदर और जूनागढ़ जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। वहीं कच्छ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए बड़ोदरा, नर्मदा, कच्छ, राजकोट, वलसाड, द्वारका, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, सूरत, गिर, सोमनाथ में NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण सिस्टम अलर्ट मोड पर है। किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि या दुर्घटना को रोकने के लिए NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में सुबह तेज बारिश हुई। मुंबई में बिले पार्ले पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बारिश के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। वहीं लोगों को घर से बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। बारिश का पानी निचले इलाकों में भर गया है और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बारिश के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने एहतियातन नागपुर में सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। वहीं भारी जलभराव से लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही सड़कों पर गाड़ियाँ काफ़ी धीमी गति से चल रही हैं।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में हो रही बारिश पर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा, नागपुर शहर और जिले में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मैं कलेक्टर और स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हूँ और कलेक्टर स्वयं शहर का दौरा कर रहे हैं। स्कूल बंद कर दिए गए हैं और निचले इलाकों जहाँ पानी घुस गया है वहाँ के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। कुछ इलाकों में कुछ सड़कें बंद हैं। निर्देश दिया गया है कि प्रशासन सतर्क रहे ताकि नागरिकों को कोई असुविधा न हो। यहां तक कि नागपुर डिवीजन में भी गढ़चिरौली के कुछ हिस्सों का संपर्क टूट गया है। मंडलायुक्त लगातार सभी जिलाधिकारियों से संपर्क में हैं। सभी सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखने को भी कहा गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बारिश का कहर जारी है। बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पिछले 24 घंटे में हुई लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। शबरी, मलगेर सहित सभी नदियों का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से दंगल बांध का पानी सुकमा शहर तक आ पहुंचा है। दोरनापाल जगरगुड़ा सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से आवागमन बंद है। जगरगुंडा से सुकमा तक 3 यात्री बसों का परिचालन होता है। रास्ता बंद होने की वजह से यात्री बस और अन्य वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। वहीं चितलनार जगरगुंडा के बीच मल्लेबाग नाला उफान पर है। लोग जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई खबरें। पिछले 3 ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन के खेल में भारत ने पदक जीतने में कामयाबी पाई है। इस बार फिर बैडमिंटन खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद है। पीवी सिंधु 2 बार की पदक विजेता हैं और इस बार अपने पदक का रंग बदलने के इरादे से उतरेंगी। वहीं सात्विक चिराग की जोड़ी पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पदक की प्रबल दावेदार है। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारत के बैडमिंटन दल में पुरुष एकल वर्ग में HS प्रणॉय और लक्ष्य सेन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं महिला एकल वर्ग में पीवी सिंधु 3री बार पदक जीतने के इरादे से उतरेंगी। पुरुष एकल वर्ग में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी से पदक की उम्मीद है। HS प्रणॉय वर्तमान में BWF रैंकिंग में 13वें स्थान पर काबिज HS प्रणॉय के लिए ये साल कुछ खास नहीं रहा है। जनवरी में खेले गए इंडिया ओपन में वे 3रे स्थान पर रहे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वे क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। प्रणॉय ने 10 प्रतियोगिताओं में भाग लिया और सिर्फ 2 में ही कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सके। लक्ष्य सेन विश्व रैंकिंग में 19वें स्थान पर मौजूद लक्ष्य सेन भारतीय बैडमिंटन के उभरते हुए सितारे हैं। 22 वर्षीय लक्ष्य ने इस साल 6 टूर्नामेंट्स में भाग लिया और ऑल इंग्लैंड सहित 2 प्रतियोगिताओं में शीर्ष 3 में जगह बनाई। पीवी सिंधु 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु से इस बार फिर पदक की उम्मीद है। 2016 के रियो ओलंपिक में सिंधु ने रजत पदक जीता था। वहीं टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई थी। फिलहाल सिंधु की विश्व रैंकिंग 13 है। पीवी सिंधु अनुभवी खिलाड़ी हैं और बड़े टूर्नामेंट्स में वे हमेशा शानदार प्रदर्शन करती हैं। ओलंपिक से पहले प्रधानमंत्री के साथ संवाद के दौरान भी सिंधु ने कहा था कि वे इस बार अपने पदक का रंग बदलना चाहती हैं। सर मेरा अभी 3rd ओलंपिक्स में जा रही हूँ सर, तो 1st ओलंपिक्स में 2016 में सिल्वर लेके आई थी और 2020 टोक्यो में ब्रॉन्ज लेके आई थी, तो इस बार आई होप I change the color, sir, and I hope I come back with a medal. सात्विक चिराग की जोड़ी विश्व रैंकिंग में 3रे स्थान पर है। सात्विक चिराग की जोड़ी पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पदक की बड़ी उम्मीद है। इस जोड़ी ने इस साल शानदार प्रदर्शन किया है। सात्विक चिराग ने 2024 में 7 टूर्नामेंट खेले हैं और 2 टूर्नामेंट जीते हैं। वे मलेशिया ओपन और इंडिया ओपन में फाइनलिस्ट थे। देश को उम्मीद है कि ये भारतीय जोड़ी अपनी फॉर्म जारी रखेगी और भारत के लिए पदक जीतेगी। तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी महिला युगल वर्ग में दुनिया की 19वें नंबर की जोड़ी है। तनिषा अश्विनी की जोड़ी 2024 में 11 टूर्नामेंट में शामिल हुई है, जिसमें से केवल 1 में शीर्ष 3 और 2 में क्वार्टर फाइनल फिनिश करने में सफल रही है। 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में बैडमिंटन की शुरुआत के बाद से भारतीय शटलर्स लगातार ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। साइना नेहवाल ने
2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश को इस खेल में पहला ओलंपिक पदक दिलवाया। चार साल बाद पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक के फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भले ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वे ऐतिहासिक रजत पदक जीतने में कामयाब रहीं। वहीं टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। भारत पेरिस ओलंपिक में 7 शटलर्स के साथ उतर रहा है और एक बार फिर बैडमिंटन के खेल से पदक आने की उम्मीद बरकरार है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पर कहा कि इस प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 742.69 करोड़ रुपए दिए हैं। दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण दिल्ली दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 742.69 करोड़ रुपया दिया है दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए। आप हैरान होंगे कि एक स्टडी आई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की, जिसने ये बताया है कि दिल्ली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों ने 70% तक पैसा इस्तेमाल ही नहीं करा है। और आप जानती हैं कि उनकी लापरवाही के कारण, उनकी कर्मणता के कारण दिल्ली विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। आज भी तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।